श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा हृदि। अब हम श्री वेदांत देशिक से विरचित वेगा सेतु स्तोत्रम नामक एक स्तोत्र को व्याख्यान करते हैं। एक एक श्लोक का अर्थ बताता हूं, आप सुनते जाइए। बाद में इन स्तोत्रों को आप पारायण में रख लेना, एक बार अर्थानुसंधान हो जाए तो तुरंत पारायण में रख लेना चाहिए। ऑलरेडी एक दो स्तोत्र का तो किया हूं और ये अभी वेगा सेतु स्तोत्र है। सरस्वती नदी जब बहुत तेजी से प्रवाहित होने लगी ब्रह्मा जी का यज्ञ को समाप्त करने के लिए, तब भगवान सेतु के रूप से अवतीर्ण हैं। ये कहानी हम पहले भी कह चुके हैं, परंतु ये वेगा सेतु स्तोत्र का अवतार उन्हीं भगवान को स्तोत्र करने के लिए हुआ है। वो श्लोक है ये, एकम वेगवती मध्ये हस्तिशैले च दृश्यते उपाय फलभावेन स्वयं व्यक्तं परं महः। एकं वेगवती मध्ये हस्तिशैले च दृश्यते उपाय फलभावेन स्वयं व्यक्तं परं महः। हम अपने संप्रदाय में 108 दिव्य देश मानते हैं। 108 दिव्य देश भी में भी विराजमान भगवान भिन्न भिन्न नहीं है, सब भगवान श्री विष्णु का ही स्वरूप है। यद्यपि वो वैसा है, परंतु 108 दिव्य देश में विराजमान भगवान का प्रादुर्भाव संबंधी कहानियां भिन्न भिन्न है। इसलिए हम 108 दिव्य देश में भी रहने वाले भगवान का जो स्वरूप है उसे अलग अलग उपासना करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं संप्रदाय में, और अपने अपने इष्ट देवता होते हैं ये सब 108 दिव्य देश भी। कुछ लोगों को भगवान श्रीनिवास बहुत पसंद है, कुछ लोगों को रंगनाथ जी बहुत पसंद है, कुछ लोगों को वरदराज भगवान बहुत पसंद है कांचीपुरम में विराजमान, कुछ लोगों को मेलकोट में विराजमान भगवान रामप्रियन जी बहुत पसंद है, और इस प्रकार भिन्न भिन्न मूर्तियों को पसंद करने वाले भी 108 दिव्य देशों की भी यात्रा करते हैं। वहां वहां विराजमान स्वरूप और तत्संबंधी तीर्थ, तत्संबंधी जो विमान, तत्संबंधी और जो साहित्य, उन सबको इकट्ठा करके पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। ये एक विद्या के रूप से भी प्रतीत हो जाता है। 108 उपनिषद होने तो बात अलग है, होने की बात, वैसे 108 दिव्य देश, वहां विराजमान भगवान, भगवान की जो लक्ष्मी जी का स्वरूप और उनका नाम, और वहां रहने वाला जो विशेष इत्यादियों को पृथक पृथक जानकारी रखने वाले भी बहुत हैं। ये अपने में एक बड़ी विद्या ही हो गई है, आजकल एक अलग प्रस्थान हो गया है। अर्चावतार जो भगवान की पांच परिस्थिति में, पांच स्थिति में एक अन्यतम है, उसके बारे में जानकारी रखना तो जरूरी ही है संप्रदाय में। उसमें एक वरराज भगवान की भी मूर्ति है, एक ये वेगा सेतु सेतु के रूप से विराजमान भगवान की भी मूर्ति है। इन दोनों को एक साथ वर्णन करते हैं इस श्लोक में। एकम वेगवती मध्ये हस्तिशैले च दृश्यते, जो हस्तिशैल में, हस्तिगिरी में विराजमान भगवान है वो वरदराज भगवान है, और यहाँ सेतु के रूप से विराजमान वेगवती नदी के मध्य भाग में विराजमान भगवान सेतु सेतु के रूप से विराजमान है। इसलिए एक उपाय है, सेतु यानी उपाय है ना, एक एक पार से दूसरी पार जाने के लिए वो साधन बनता है, साधन का मतलब उपाय है। इसलिए उपाय के रूप से विराजमान एक वेगवती मध्य में विराजमान भगवान है, एकम वेगवती मध्य, और दूसरा जो है हस्तिशैले च दृश्यते, दूसरा जो भगवान का स्वरूप है
वो हस्तिगिरी में विराजमान है, वो फल का स्वरूप है। जब भी एक जगह से एक जगह पे जाते हैं तो वहां जहां जाना है वहां जाने के बाद वहां अनुभव अलग है, जाने के रास्ता अलग है। सेतु केवल रास्ता है और उस तरफ जाने के बाद जो प्राप्य है वो भगवान वरदराज भगवान है, हस्तिगिरी में विराजमान है, ये उनका कहने का तात्पर्य है। परंतु वस्तुतः उपनिषद कहता है उपाय और फल दोनों एक ही है। ऐसा सेतु, ये जो सेतु भगवान है, सेतु के रूप से विराजमान भगवान है, वही प्राप्य भी है वही प्रापक भी है, और इधर से वहां तक पार कराने वाले भगवान जो है वही, वहां जाने के बाद मिलने वाला भी वही है। परंतु 108 दिव्य देश में अंतर होने के बावजूद भी सब विष्णु तो एक ही है, विष्णु का स्वरूप। इसलिए एक उपाय के रूप से एक को वर्णन करना, एक को फल के रूप से वर्णन करने में आपत्ति नहीं है, इसलिए इस प्रकार की टेक्निक अपनाते हैं। एकम वेगवती मध्ये हस्तिशैले च दृश्यते उपाय फल भावेन, एक उपाय है एक फल है, फल भावेन स्वयं व्यक्तम परम महा, ये दोनों स्वरूप स्वयं व्यक्त क्षेत्र है, स्वयं व्यक्तम परम महा महा एकम, क्योंकि महा शब्द नपुंसकलिंग है, स्वयं व्यक्तम परम महा एकम वेगवती मध्ये हस्तिशैले च दृश्यते, कैसे दृश्यते, एक उपाय के रूप से एक फल के रूप से, अर्थात मुक्त प्राप्य भगवान वरदराज भगवान है, मोक्ष तक हमें प्रापण करने वाला, प्रापण यानी पहुंचाने वाले जो भगवान है वो वेगा सेतु है, और सेतु के रूप में वेगा नदी में सेतु के रूप में है, इसलिए वेगा सेतु शब्द कहा जाता है। ये जो है इस स्थल का नाम तिरुवेक्का बोलते हैं, और वो 108 दिव्य देश में अंतर्गत एक है। कांचीपुरम में ही बहुत सारे दिव्य क्षेत्र हैं, उसमें तिरुवेक्का भी एक है। और एक बार इस श्लोक को पढ़ता हूँ। एकम वेगवती मध्ये हस्तिशैले च दृश्यते उपाय फल भावेन स्वयं व्यक्तम परम महाम। अर्थ श्लोक दूसरा श्लोक है। ईष्टे गमयितुं पारं येष सेतुरभङ्गुरः यत्र सारस्वतं स्रोतः विश्राम्यति विशृङ्खलम्। दूसरा श्लोके है। अभङ्गुरः येषः सेतुः, ये जो सेतु है, ये दुनिया में तो बहुत सारे सेतु ब्रिजेस बनते रहते हैं, गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट्स बनते हैं और उसे वो कुछ लोगों को मिलता है कुछ कारण से, और उसी कारण से उसको बनाते हैं, थोड़े ही दिन में टूट जाता है। कलकत्ता में अभी हम सुने हैं ये सब भंगुर है, ये सब क्षण भंगुर है, ये तो कभी कभी गिर भी सकता है, कभी टूट सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है, कई लोगों को मरवा देता है। परंतु ये जो सेतु ऐसा नहीं है, भगवान रूपी सेतु कभी किसी को मरवाता नहीं है, ये अवश्य पहुंचाता है, ये कभी भंगुर नहीं है। भंगुर यानी भंग हो सकता है, उसे भंगुरहा कहते हैं, जिसका नाश तुरंत ही संभव है। जब उत्पन्न मात्र वस्तु नाश से ग्रस्त है ऐसा बोलते हैं ना, वही उत्पन्न वस्तु कभी भी नाश पा सकता है, हर एक उत्पन्न वस्तु कभी भी नाश पा सकता है। परंतु ये जो सेतु है ये अभंगुरहा सेतु, कभी भी ये नष्ट नहीं होने वाला परमानेंट सेतु है। अभंगुरहा एष सेतु पारं गमयितुं ईष्टे, उस पार हमें पहुंचाने में मदद करता है, ये कैपेबल ईष्टे समर्थ होता है, ये उस पार में हमें पहुंचाने में समर्थ होता है, यानी उसके पास उतनी क्षमता है। यत्र सारस्वतम विशृंखलम स्रोतः विश्राम्यति, जहां वेद वाक्यों में, जिन वेद वाक्यों में और हरेक शब्द का तात्पर्य के रूप से जहां जाकर वो विश्राम करता है, जहां जाने के बाद ही विश्राम करता है। विश्रृंखलम विश्रृंखलम विश्राम्यति, विश्रृंखलम यानी कोई उसे रोक नहीं सकता है, वहां तक पहुंच के ही वो आराम करता है, कि वो जहां जाकर आराम करता है वो स्थल जो है वही पारम है, दूसरे पार है। यत्र सारस्वतम स्रोतः विश्रृंखलम विश्राम्यति, जहां जाकर रुकता है, ये वेदवाणी का तात्पर्य, वो भगवान ही है और
वही ये सेतु हैं जो कभी नष्ट नहीं होने वाले सेतु हैं। येष सेतु अभंगुरहा सेतु, ये हमें उस पार में ले जाने में समर्थ है, क्योंकि नौका भी कभी कभी बोट में जाते हैं तो वो टूट सकता है, कभी पानी अंदर आ सकता है, परंतु ये सेतु ऐसा अभंगुर होने की वजह से इसका आश्रय करने में हमारी भलाई है, हम सही जगह पे पहुंचाते हैं, पहुंच जाते हैं, वो हमें पहुंचाता है, ये तात्पर्य है। गमय पारम गमय तुम इष्टे, हम लोगों को उस पार कराना में समर्थ है ये अभंगुरा सेतु, जो नष्ट नहीं होने वाला सेतु है, जहां वेद वाक्यों का अंत क्या है, वेद किनको बोलकर विरमत विरत होता है, वो अंत क्या है, वो वहां ही जाकर ये रुकता है, ये अभंगुर सेतु वहां तक हमें पहुंचाता है, वहां जाकर ही रुकता है, मतलब वहां तक पहुंचाता है जो भागवत शब्द इत्यादि अनेकानेक वेद में उच्चारित शब्दों का जो ही मुख्य तात्पर्य है, वहां तक हमें पहुंचाने वाला है ये सेतु, ऐसा इस भगवान बेगा सेतु का वर्णन करते हैं। इष्टे गमयितुम पारम, इष्टे गमयितुम पारम, एष सेतुरभंगुरः यत्र सारस्वतम स्रोतः विश्राम्यति विश्रंखलम, जयति जगदेक सेतुः वेगवती मध्यलक्षितो देवः, प्रशमयति यः प्रजानां प्रतितान संसार जलधिकल्लोलान। जयति जगदेक सेतुः, जयति जगतों का एकमात्र सेतु है वो जयति, जय पाते हैं इधर, जयति जगदेक सेतुः वेगवती मध्यलक्षितो देवः, ये भगवान वेगवती के मध्य में सब लोगों से देखने लायक विराजमान है। वेगवती मध्यलक्षितो देवः, वेगवती वती मध्ये लक्षयितुं योग्यः, लक्षितुं योग्यः, देखने योग्य हैं वह, वो देवः जयति, वो देव भगवान विराजमान हैं। जयति जगदेक सेतुः, इस दुनिया में रहने वाला एक ही सेतु वही है, बाकी सब सेतु अभंगुर भंगुर है, ये एषः सेतुः अभंगुरः जो वेगवती के बीच में विराजमान है। प्रशमयति यः प्रजा, प्रजानां यः प्रशमयति प्रतितान संसार जलधि कल्लोलान, संसार रूपी जो समंदर में आने वाले बड़े बड़े लहरों को जिसने रोकता है, जिसने नाश करवाता है, यः प्रजानां प्रतितान कल्लोलान संसार जलधि कल्लोलान प्रशमयति, जो जो भगवान जयति ऐसा जिसको बोले हैं जयघोष, वो भगवान सब कष्टों को दूर कर देते हैं। प्रतितान प्रसिद्ध जो संसार जलधि कल्लोलान संसाराख्य समंदर में आने वाले लहरों को, यहाँ प्रजानाम प्रशमयति, जो प्रजाओं का प्रजाओं की सहायता के लिए इन सब चीजों को नष्ट भ्रष्ट करा देता है, वो जयति, ऐसा मतलब जयति जगदेक सेतुः वेगवती मध्यलक्षितो देवः, प्रशमयति यः प्रजानां प्रतितान संसार जलधिकल्लोलान, विभातु मे चेतसि विष्णु सेतुः वेगापगा वेग विघात हेतुः, अम्भोजयोने दियदुपज्ञमासीत् अभंगरक्षाहयमेथ दीक्षा। सिंपल स्तोत्र है ये, सब अनुष्टुप छंदस में ही है, आराम से पारायण करने योग्य है। विभातु मे चेतसि विष्णु सेतुः, विभातु मे चेतसि विष्णु सेतुः, विष्णु रूपः सेतुः, विष्णु रूपी जो देवता रूपी सेतु है वो मे चेतसि विभातु, वो मेरे मन में सदा के लिए विराजमान हो। वेगापगा वेग विघात सेतुः, वो कौन सा सेतु है, वेगापगा वेग नदी, वेगवती नदी जो है, आपगा मतलब, आपगा का मतलब है आपगा निम्नगा, ये सब नदियों का नाम है, नदियों का नाम नहीं है, नदी का पर्याय पद है, अर्थात नदी कहने के बदले आपगा कह सकते हैं, इसलिए वेगापगा वेगवती नाम की जो ये नदी है, वेगवती वेगापगा वेग है उसका जो तेजी है, वेगापगा का जो वेग है उसको विघात नष्ट करने में हेतु कारणभूत जो भगवान है, सहा विभातु में चेतसि विभातु, वो मेरे मन में सदा के लिए विराजमान रहें,
विष्णु रूपी सेतु, क्योंकि सेतु को तो हम सदा के लिए मन में भी रखना है और उसे पकड़ के ही तो हमें पार करना है। अम्बोज योनि है यदुपज्ञम आसीत, अम्बोज अम्बोज कमल है, कमल योनि ही अर्थात ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के लिए जो ब्रह्मा जी के यज्ञ है उस यज्ञ में यज्ञ को है ना अम्बोज योनि है यतु उपज्ञम। हयमेध दीक्षा और अम्बोज योने है हयमेध दीक्षा, अम्बोज योने है अर्थात कमल में उत्पन्न, कमल जिसका कारण था उत्पत्ति के लिए वो अम्बोज योने है, वो कौन है ब्रह्मा जी है। अम्बोजम योनि ही यस्य, जिसके लिए अम्बोज कमल योनि कारण बनता है, का मतलब ब्रह्मा जी के लिए ही तो कमल कारण बना। पद्मनाभ नाभ में नाभि में पद्म था, उसमें से ब्रह्मा जी निकले, इसलिए अम्बोज योनि है। हयमेध दीक्षा अश्वमेध यज्ञ जो है, अश्वमेध यज्ञ के लिए यदुपज्ञम जो भगवान के लिए मार्ग था, यदुपज्ञम उसी में अवतार किए, मतलब उस हयमेध यज्ञ में उसे अपना रास्ता बनाकर वहां पधारे थे। अभंग रक्षा और उस यज्ञ को रक्षा करने के लिए एकमात्र उपाय भगवान अन्वेषण किए कि सेतु बन के रहना। ऐसे जो यदुपज्ञम उस भगवान को भगवान एक मार्ग प्रदर्शन किए हैं ब्रह्मा जी के लिए, अभंग रक्षा जिससे थोड़ा सा भी ऑब्स्टेकल के बिना अर्थात कोई रुकावट के बिना और वो यज्ञ संपूर्ण हुआ। यदुपज्ञम आसीत अभंग रक्षा आसीत, जिसे फिर से उसे रोक ना सके कोई, ऐसा उसका उसकी रक्षा हुई थी। वैसे भगवान इधर स्तोत्र के विषय बनते हैं। विभातु मे चेतसि विष्णु सेतु वेगापगा वेग विघात हेतु अम्बोज योने यदुपज्ञमासीत अभंग रक्षा हयमेध दीक्षा। वो अश्वमेध यज्ञ है इसलिए हयमेध हयमेध दीक्षा बोले हैं। ये जो हयमेध दीक्षा है वो ही भगवान के लिए अवतार के लिए प्रसंग बना, कारण बना। ऐसे भगवान मैं चेतसी विभातु, विष्णु रूपी जो सेतु है वो मेरे मन में सदा के लिए विराजमान रहे, अर्थात वो विराजमान रहे वही सेतु बन जाएंगे, आपको संसार में फिर से आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मोक्ष में चले जाएंगे। अर्थात विभातु मैं चेतसी विष्णु सेतु हूँ वेगापगा वेग विघात हेतु अम्बोज योने यदुपज्ञम आसीत अभंग रक्षा हयमेध दीक्षा। चतुरानन सप्ततंतु गोप्ता सरितं वेगवतीमसौ निरुंधन परिपुष्यति मंगलानि पुंसाम भगवान भक्तिमतां यथोक्तकारी। इनके लिए और एक नाम है यथोक्तकारी है, यथोक्तकारी का मतलब है जैसे बोले वैसे ही कर दिखाएं, का मतलब एक आलवार है, एक आलवार उनको इधर से खड़े हो जाइए, हम इधर रहने की जरूरत नहीं है, हम दूसरे शहर में चले जाएंगे, यहाँ का राजा हमारे लिए अनुकूल नहीं है, ऐसा जैसे ही बोले तुरंत भगवान वहां से अपना जो सर्प है आदिशेष है उनको लेकर निकल पड़े। और बाद में जब राजा ने उनको राजी किया तो बाद में तुरंत वहां ही रहो ऐसा बोले तो वहां ही रहने लगे। इसलिए वो जे यथोक्तकारी यथा उक्तम तथा करोतीति यथोक्तकारी ऐसा नाम आया है। वो विस्तृत एक कहानी है परंतु कहानी अभी विस्तार से नहीं बोल रहा हूँ कि परंतु ये बैकग्राउंड ये है कि भगवान जैसे कहे वो आलवार नित्य सूर्य जी जैसे कहे वैसे किए थे। इसलिए तिरुमयूषी आलवार जो बोलते हैं वो आलवार जिस प्रकार बोले हैं उसी प्रकार उन्होंने किया है भगवान ने, इसलिए यथोक्तकारी हुआ। ये चतुरानन का जो सप्ततंतु है, सप्ततंतु का मतलब यज्ञ है, चतुरानन जो चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं उनका सप्ततंतु उनका यज्ञ को गोप्ता पालन करने वाले। वेगवतीम असौ सरितम वेगवतीम सरितम असौ निरुंदन, वेगवती जो भी जो वेगवती के नाम से जो सरित है अर्थात नदी है उसको निरुंधन उसको रोकते हुए पुंसाम मंगलानि परिपुष्यति, पुंसाम सब पुरुषों के लिए मंगलों को इधर प्रदान करते रहते हैं, अत्यधिक मंगलों का परिपुष्यति अर्थात
उनका अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। परिपुष्यति मंगलानि पुंसाम, क्या किनको भगवत भक्तिमताम पुंसाम सहा यथोक्त कार्य च भवति, जैसे कहें वैसा करते हैं। अगर हमारी भक्ति अन्यून है और थोड़ा सा भी कम नहीं है तो भगवान करने के लिए तैयार है। मतलब चतुरानन सप्त तंतु गोप्ता सरितम वेगवती मसौ निरुंधन, परिपुष्यति मंगलानि पुंसाम भगवत भक्ति मताम, भगवान से भक्ति होनी चाहिए बस हमारी तरफ से, वो और वो तो जैसे कहें वैसे करें। मतलब सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ऐसा जैसे बोले हैं गीता में वैसे ही करने वाले हैं ये भगवान। यथोक्तकारी, जैसे कहें वैसा करने वाले हैं, गीता में जो कहे हैं उसे भी पालन करेंगे और अन्य अन्य अवतारों में जो कुछ भी कहे हैं उन सबको पालन करेंगे। वैसे भगवत भक्ति रहने वाले लोगों को यथोक्तकारी, जैसा कहें वैसा करने वाले हैं ये भगवान, ऐसा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चतुरानन सप्त तंतु गोप्ता सरितम वेगवती मसौ निरुंधन, परिपुष्यति मंगलानि पुंसाम भगवत भक्ति मताम यथोक्तकारी। यहाँ तक रखेंगे, आगे के क्लास में बाकी पूर्ण करेंगे। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।